नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल के लिए जयने की रिपोर्ट। सलग भूमि के प्राकृतिक आवासीय करने के लिए रोहतास से मनोज कुमार का रिपोर्ट। भूमि स्वामी का कहना है कि भूमि के आसपास बगल में आवास नव निर्मित एवं अर्ध निर्मित है। भूमि के प्राकृतिक स्थल निरीक्षण के पश्चात इस भूमि पर गृह कार्य होना है। रेलवे लाइन ने गांव के मकान को अधिग्रहण करने की नोटिस भी दिया है। आज नहीं तो कल हम सभी की मकान रेलवे में ले लेगा जिला पदाधिकारी। हम लोगों की बात पर सुनवाई कर सकते हैं और उक्त भूमि को आवासीय करके सही मुआवजा दिला सकते हैं। पढ़े जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र। चैनल देख लाइक शेयर करें, साथ ही पल पल खबर के लिए बने रहे जगदूत न्यूज काम पोर्टल पर। जगदूत न्यूज एजेंसी आपके साथ। रितेश राज वर्मा, स्टेट हेड, हैदराबाद, जेएनए। नमस्कार, आप देख रहे हैं। इसी तरह से जा रहा है, हम लोग का घर फिर कहाँ बनेगा? अच्छा रही, देखा जरूर। इधर भी मकान है, उधर भी हो गया। 657 फीट मकान है। मैं श्रीकांत पांडे, स्वर्गीय बैजनाथ पांडे, ग्राम पोस्ट किरेंदी, थाना शिवसागर, जिला रोहतास, सासाराम, यहाँ का मूल निवासी। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में पानी की निकासी और पटवन है, क्योंकि नहर जो है, स्रोत जो है पानी का, वो ऊपर तरफ है रेलवे से, और खेती ज्यादा से ज्यादा दक्षिण तरफ है, और एकमात्र रास्ता यही है जिससे पटवन होता है, पानी का निकासी होता है, बाढ़ भी ये कंट्रोल करता है। उधर से ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके चलते आज के डेट में बिहन का काम रुक गया है। कोई किसान दक्षिण तरफ बीज नहीं डाल रहा, क्योंकि पानी का रास्ता सरकार बाधित किया हुआ। ये है इसका उचित मुआवजा। कमर्शियल किसी का है, किसी का रेजिडेंशियल है, मिलना चाहिए। ग्राम पोस्ट खुलेंगी, रोहतास का स्थायी निवासी है। रेलवे कॉरिडोर में मेरा जमीन जा रहा है, उस संदर्भ में हमारे जमीन से पूरा पश्चिम और दक्षिण मकान है, उत्तर में रोड साइड है, जिसे आवासीय नहीं किया है। ये मेरा जमीन है, दोनों साइड मकान बना हुआ है। डिफरेंस का हम फैमिली है, लड़के हैं उसका, मेरे पिताजी डिफरेंस में है, ठीक है, डिफेंस में थे, लेकिन हम लोग का रहने के लिए कोई जगह नहीं है, यही एक जगह है। हम लोग का ऐसा मुझे दिया जाएगा, हम लोग कहीं और ले जाकर जमीन खरीद सकें और उसको वहां जगह बस सकें, इसके बाद यहां काम लगाइए। इसीलिए हम लोग का यही एक जमीन है, कोई जमीन है नहीं मेरे पास। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, मैं ग्राम किरेंदी, पोस्ट किरेंदी का, जिला रोहतास का रहने वाला हूँ। मेरी जमीन रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए दी जा रही है, जिसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये कृषि योग्य जमीन नहीं बल्कि घर बनाने की योग्य जमीन है, अतः सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि उसका उचित देख कर करके उसका मुआवजा दिया जाए। आज डीएम साहब आने वाले थे, साथ में अन्य पदाधिकारी भी, लेकिन पता चला कि वो छुट्टी पर चले गए हैं, इसलिए जब वो आवेंगे तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए।
पिता स्वर्गीय जयनाथ पांडे ग्राम इंडी का रहने वाला हूँ, जिला रोहतास का। हम लोग डीएम साहब जो है 8:30 पर हम लोग को समय दिए थे। आज हम लोग जितने मध्यम वर्ग किसान हैं और भी किसान हैं 8 बजे से बिना खाए हुए पड़े हुए हैं। अभी तक डीएम साहब नहीं आए और पता चला कि डीएम साहब आज नहीं आने वाले। हम लोग की यही समस्या है, इसका समाधान अवश्य करें। ग्राम हिंदी का मूल निवासी हूँ। जमीन के पूरब साइड में मकान जो है और नारायण पासवान का, उत्तर साइड दक्षिण साइड में यादव जी का मकान और पूना पासवान का मकान। तमाम मकान उत्तर साइड में दक्षिण साइड में अवस्थित है। पश्चिम साइड में सारे मकान दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मकान पश्चिम साइड। उत्तर साइड में रेलवे लाइन है, यहीं से ओवर ब्रिज जाना है। हम लोगों का आवासीय मांग है, आवासीय की मुआवजे दिया जाए, जिससे कि हम लोग दूसरे जगह जमीन को खरीद कर इसके एवज में और हम लोगों को अपना घर बनाने में सहयोग दें। मैं विजय कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट की हिंडी, थाना शिवसागर, जिला रोहतास के निवासी हूँ। मेरा जमीन जो है रेलवे के कॉरिडोर में जा रहा है, जिसके पूरब दक्षिण और पश्चिम साइड में मकान निर्मित है और कुछ मकान और निर्मित भी है। उत्तर साइड में रेलवे लाइन है। हम चाहते हैं कि हमारा जमीन का सही मुआवजा मिले और इसे आवासीय किया जाए, क्योंकि चारों तरफ से मकान अब बनाने के लिए हम लोगों के पास कुछ रेलवे लाइन जो है अपना जमीन हम लोगों का ले लिया है और नोटिस दिया है कि आप लोग खाली कर दीजिए, और उसके बाद हम लोगों का वही जमीन बचा है। बढ़िया मुआवजा हम लोगों को मिलेगा तो हम अन्य जगह पर अपना जमीन लेकर मकान बनाएंगे। मैं बिहारी राम, पिता स्वर्गीय भेषण राम, ग्राम पोस्ट की हिंडी, थाना शिवसागर, अंचल शिवसागर, रोहतास से बोल रहे हैं। हम गरीब परिवार महादलितों से जुड़े हुए हैं और हम लोगों को सरकार ने अपर समाहर्ता कुछ दिन पहले से इसे लाल कार्ड के हिसाब से दी है, जिसे आज तक हम लोग कहते रह गए लेकिन बंटवारा तक नहीं हुआ। जो कि प्लॉटिंग हुआ है तो नंबर वाइज हुआ है, किसी का नाम नंबर पाया है, 1 से लेकर 20 तक या 30 तक जिसे हो नंबर पाया है। तो नंबर के लिए हम लोगों ने कितने बार अपना एप्लीकेशन भी दिया कि नहीं हम लोग का जमीन बहाल करके इसको नापी करके अलग अलग करा दी जाए, तो कोई नहीं हम लोग का भी सुना। फिर बीच में रेलवे का जो ये बेड बना उस टाइम में हम लोगों ने फिर नंबर वाइज मेरे ही नाम मेरे ही हाथों से ये हुआ है, बंटवारा मैंने किया है, उसमें भी मैंने ही लिखा है। उसमें गया और मुगलसराय दोनों प्रमंडल जुटा था, जहाँ की यहाँ पर सीओ साहब भी थे। उस समय ट्रेसे नहीं मिला था, फिर हमने बोला कि नहीं ये आप इनको बुलाइए कर्मचारी साहब को, कर्मचारी आए ट्रेस लेकर आए। तो यह है हम लोगों का कि ये दोनों साइड में और तीनों साइड में घर बना हुआ है, बीच में रेलवे है, इसमें कृषि जो है नहीं, हम लोगों का मेन मुआवजा दी जाए जो आवासीय के रूप में दी जाए। तो बता रहे हैं।